आपने भी बहुत सारी तहरीकों का जिक्र किया जिसके ताल्लुक बड़े सगीर से था, जिनने पंजमा पंजाब की तहरीक हो गई, या जो आपने या जैसे मिसाल के तौर पर जॉब की तहरीक है, या इससे जुड़ी और रिश्ता को तहरीक का रिश्ता की तहरीक का आपने जिक्र किया, रिश्ता को भी आपने बाकायदा उसको जो एक आम ख्याल ये है कि वो तो दर इरतका है और जबान का इरतका है तो जबान में लिखा जा रहा है, तो लेकिन आपने उसको भी तहरीका, तो मैं ये जो कई और दूसरी कई तहरीकों का आपने जिक्र किया, ये जो तहरीकें हैं जिनका आपने जिक्र किया जो खास बड़े सदी के माहौल से जुड़ी हुई थी और उनका या कोई शायद सियासत से भी ताल्लुक रहा, क्या उनका ताल्लुक आलमी अदबी तहरीकों से था उस वक्त की? जी, मैंने शुरू में कहते थे शुरू की दो लाइनों में कि कोई भी अदब दुनिया का दूसरे दुनिया के अदब से मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकता है, और उर्दू के ऊपर भी ये पूरा का पूरा असर पड़ा। अब अगर मैं शुरू करता तो फिर मुझे अपनी रोमानियत को मगरबी रोमांटिक तहरीक से जोड़ना पड़ता, या मुझे अपनी निसाइयत को वेस्टर्न फैमिली से, उसमें बिल्कुल गुंजाइश नहीं थी। लेकिन हकीकत यह है कि जितनी भी अगर आप ये देखें कि चूँकि हमारे यहाँ उर्दू अदब का जदीद दौर जो है सारा का सारा जो बरतानिया के साम्राज्य के इदारे थे उनकी महमीज से आगे बढ़ा है, उससे नहीं बढ़ा है। जैसे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर था, या क्या कहते हैं मिलकर जो फोर्ट विलियम कॉलेज था, इबन सर सैयद कॉलेज था, तो इन सब लोगों ने बाकायदा मगरबी उलूम से, मैंने इसका जिक्र भी किया है कि दिल्ली कॉलेज के अंदर भी मगरबी उलूम सिस्टमेटिकली पढ़ाए जा रहे थे। तो इसलिए हम में से अक्सर लोग जो हैं बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हमने इसको इंडिजनाइज कर लिया है कि भी तरीके हमारी अपनी हो गई हैं, तो आप समझ गए कि क्या क्या इसमें तो कुछ लिखा पढ़ा जा चुका है पिछले 70-80 साल में 100 साल में। तो इसलिए मैंने बाकायदा एक एक को जोड़ के मिसालें दी कि हम हमारी अक्सर तहरीकें मगरबी अदब ही की तहरीकों के ताबे रही हैं। जी, और यहाँ यानी एक तो हम मगरबी उलूम की बात कर रहे हैं, एक हम असली तहरीक की बात कर रहे हैं, तो कहने का मकसद ये है कि जो वो तहरीकें यहाँ चल रही थी उस वक्त मगरब में भी उस वक्त उस तरह की तहरीक थी जिससे वो मुतासर हो रही थी, सिर्फ उलूम नहीं बल्कि तहरीक। तो देखिए इस तरह कि हमारे यहाँ जो कुछ भी पहुँचा है हमेशा अगर आप देखेंगे तो 50-50, 60-60 साल के फर्क से पहुँचता है। तो जो रोमांटिसिज्म की तहरीक है जिसको हम रोमानी तहरीक अब कहते हैं, वो तो सैकड़ों साल पहले शुरू हो गई थी, और उसके ऊपर से हमने ऐसा किया वर्ल्ड को विलियम कीट्स को शैली को हम लोग जानते थे, पहले देखते थे वो कैसे दिख रहे हैं। ये लोग जो थे हाली भी और मोहम्मद हुसैन आज़ाद भी और सारे के सारे, इनको जब दिल्ली कॉलेज के अंदर मगरबी अदब पढ़ाया गया बाकायदगी से, और उनका उनका खुदा खासा कोई नुकसानदेह नजरें नहीं था गवर्नर का, पंजाब का, दूसरों का, उनका ये था कि हमारे पास जो कुछ भी सरमाया है हम उनको उर्दू में पेश कर दें, उनके पास अभी नहीं है इसको इस्तेमाल करें। उसको देखने के बाद उन्होंने वो चीज़ें वहाँ से उठाई। तो रोमांटिसिज्म फॉर एग्जाम्पल जसवान मूवमेंट, एक्जिस्टेंशियल मैंने कहा, एक्जिस्टेंशियलिज्म जो जिसको मौजूदे कहते हैं वो बाद में आपके यहाँ जदीद जो मौजूदा नई जदीद उसके अंदर पहुँची, इसलिए कहीं ना कहीं से चीज़ें आपके आती रहीं। तरक्की पसंद तहरीक भी जो हम कह रहे हैं, तो ये शैली इसमें मैं जानना नहीं चाह रहा था, लेकिन बहुत मशहूर दो दुनिया के मामले हैं, दो डिफेंस ऑफ पोइट्री लिखे गए हैं अंग्रेजी जबान में, फोर पोइट्री क्यों होनी चाहिए, एक शैलदन ने लिखा था उस वो भी डिफेंस ऑफ पोइट्री, एक शैली ने भी डिफेंस ऑफ पोइट्री लिखा, शैली बहुत मशहूर शायर था। शेल्डन ये कहता था जो उसने लिखा और फिर हमारे यहाँ मौका वो वैसे तो वैसे ही आया कि हमें अपने अकदार के अपनी रिवायतों के ताबे रह के काम करना चाहिए। शैली साहब जब आया उन्होंने डिफेंस ऑफ पोइट्री लिखा तो उन्होंने नहीं, हम अदीब और शायर जो हैं हम मुआशरा साज हैं, हम जो हैं दुनिया के हम अपने मुल्कों के खुद कानून लिखने वाले हैं। तो शैली ने ये बात पेश की और ये बात हमारे यहाँ उसी को बाद में शैली पर हम कहते हैं तो अदब बनाए अदब यानी लाइफ आर्ट फॉर लाइफ एंड आर्ट फॉर आर्ट की जो तहरीक है वो हमारे यहाँ अदब बनाए ज़िंदगी और अदब बनाए फन में आई, जिससे जिसको तरक्की पसंद तहरीक ने भी लिया उसको बार बार जौक ने भी लिया, लेकिन कहता कोई एक हमने यहाँ से लिया। अच्छा, इसमें इस पर भी बात करूँगा फिर पूछना चाहूँगा उस पर, लेकिन उससे पहले एक उम्मीद सवाल तमाम तहरीकों के हवाले से जितनी भी तहरीकें होती हैं कि मसलन आपने यहाँ पर जिक्र किया, आपने और भी कुछ और चीज़ों का जिक्र किया जो हम जिसको हम सनत के तौर पर देखते हैं, लेकिन फिर आपने कहा कि उसकी तहरीक भी चली, ऐसे बहुत सारे दूसरे अवामिल की बात की। जब हम बात करते हैं आलमी अदबी तहरीकों की या अदबी तहरीकों की, तो एक तो चीज़ ये कि अगर आप
किसी एक खास तहरीक पे के बजाय आम बात करना चाहें कि ये क्या मामलिकात होते हैं। आपने कुछ बातें उसमें ऐसे की हैं, लेकिन एक आम बात की अगर हम कहें कि अदबी तरीकों के मामलिकात क्या होते हैं, या अगर ये कहना चाहें कि वो क्या लवाजमात होते हैं जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि हाँ ये अरबी अदबी तहरीक थी कुछ। तो उसमें हमेशा देखिए कि आप देखें तो जैसे मैंने पहले कहा था कि अदबी तहरीक के होना जो है उमूमन किसी और तहरीक के रद्द अमल में होता है, तो किसी और नजर ज़िंदगी नजर हयात या नजर अदब के रद्द अमल में गया तो वैसे होता है। या कोई आपके साथ आदमी आने वाला सोचता है कि मैं कहता हूँ मैं सिर्फ मजीद इजाफे कर सकता हूँ, तो जैसे आपने कहा कि जो सनतें कहते हैं इहाम की सनत, फिर उस वक्त इहाम को बाकायदा नफाज किया उसका जा रहा था, बाकायदा लोगों को उकसाया जा रहा था, बाकायदा हरकत दी जा रही थी कि इहाम लिखा करो। तो इहाम का मैसेज आप तो बहुत भूल भी गए, अंग्रेजी में भी इहाम की बिल्कुल पैरेलल जो टर्म है करामा साहब यूज कर सकते हैं वो आयरनी है कि हमेशा जुम्मानियत होगी और इतनी मुश्किल ये होती है कि हम लोग सब लड़खड़ा जाते हैं उसमें। तो वो बाकायदा इसलिए लगाई गई थी इहाम की जो तहरीक हम कह रहे हैं कि मैं नहीं कह रहा अकबर सदीक कह रहे हैं वो बड़े लोग कह रहे हैं, वो यूँ कह रहे हैं कि उस वक्त जो है जो फारसी गोश हो रहे थे वो आपको रद्द कर रहे थे, तो उनके मुकाबले के अंदर से मुकाबला करेंगे मुश्किल जाना हमने तुम्हारे सामने डाल दिया तुम भी कह रहे हो, इस तरह से हुआ ये। तो इसलिए ये जो है बात कि हमेशा तहरीक हमेशा किसी के रद्द अमल में आएगी। इवन जो रोमांटिसिज्म की तहरीक है अगर आप देखेंगे तो मॉडर्न रोमांटिसिज्म वो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हो रहा था यूरोप में उसके खिलाफ उठी थी। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था तो मुआशा एक पैस्टरल मुआशा होता है यानी जरई मुआशा होता है, जब जरई मुआशा होता था अपनी ज़रात हो रही है मशीनें आ गई अपने हर चीज़ उखाड़ के फेंक दी, उसको पैस्टरल मुआशा या फिर बहुत बड़े मैं चीज़ से बचना चाहता अपनी बीवी से भी कहा था मैं सब नहीं होगा, लेकिन ये कि इस नॉर्थ रायन का बहुत बड़ा स्कॉलर है उसने इन मुआशरों पर बहुत ज़्यादा पैसे किए हैं कि पैस्टरल शायरी जो थी यानी जिसको हम नेचर की शायरी कहते हैं जिसको हम नेचर कहते हैं उस सब को दबा के अपने इंडस्ट्रियल। तो आप जब यूँ कहिए कि विलियम ब्लेक था जो जो खालिद सैयद हसन के बात थे ब्लेक था वो बाकायदा बरगे जलाने चला गया था, बहुत बड़ा शायर भी था बहुत बड़ा खत्तात भी था मुसव्विर भी था रोमांटिक था टॉप रोमांटिक था वर्ड्सवर्थ के साथ शेली के साथ, तो इतने बगावत में उतरा तो उन्हें जाके करगा जला उसको भागना पड़ा उन्हें छोड़ के। तो ये हम जो अपने वॉलेटिलिटी देखते हैं सब पहले से हमारे आती रही है। अच्छा ये जो मुख्तलिफ मौलिकात की बात हो रही है, अब एक तो अदबी तहरीक है या अदबी लाएँ उसी के रद्द अमल तौर पर उसी तहरीक शुरू हो गई या कोई और तो हो गया अदब अदबी अदब के अंदर ही बात करें, लेकिन एक और चीज़ ये कि बाज़ जो दूसरे मौलिकात होते हैं बैरूनी मौलिकात अदबी नहीं लेकिन वो अदब में भी उनका असर आता है और अदबी तहरीक अदबी अदब में तहरीक पैदा होती है उसकी वजह से। तो ऐसे जो मौलिकात होते हैं अब ये मौलिकात कितने देर का होते हैं इसलिए अदब अगर अदब के हवाले से बात करें क्योंकि माशरती हालात बदलते हैं और सियासी हालात बदलते हैं और हम देखते हैं कि वो जो चीज़ जिसकी वजह से कोई सियासी तहरीक शुरू हुई वो तो बहुत जल्द ख़त्म हो जाती है लेकिन अदब में उसका असर शायद हमेशा रहता है या बहुत देर तक रहता है, उसके बारे में कुछ जी। इसकी सबसे बड़ी कई मिसाल है कि मैं एक अहम मिसाल सामने की जो मैं तरत पसंद अपने आप को कहता हूँ उसकी मिसाल दे देता हूँ कि तरत पसंद तहरीक बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान के रवायती माशरे से बगावत के लिए पैदा हुई, अंगारे जब आई रद्दमल तो है ना, लेकिन जब सज्जाद रहीम वगैरह इंग्लैंड गए वहाँ जाके गोमटी और मार्क्स वगैरह मार्क्सी तालीम के साथ उनका नज़रिया मिला तो उनको बहुत बड़ा नज़रिया आया कि हम तो इंसान को बहुत ही जो बेचारा दबा किसा इंसान है प्रोलेटेरियट है उसको तो हम बादशाह बना दें तो दुनिया के मजदूर हो एक हो जाओ, तो उन्होंने वहाँ से वो तहरीक क्वालिटी शुरू हो गई थी। वो शरीक ये थी जो जो दूसरे लोग थे गोमटी वगैरह वो बाकायदा सिस्टमेटिकली मंशूर नुमा चीज़ें लिख रहे थे, तो हम भी वहाँ से ये चीज़ लेकर आ गए, लेकिन लिखने वाले बहुत अच्छे थे तो शुरू शुरू में यहीं से झगड़ा भी शुरू हुआ। तो शुरू शुरू में ये लोग जब ये लेके आए तो बहुत बातें एक मजाज भी आया मेरा ना जोश आया मेरा नारा इनकलाब 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 क्योंकि कितने मजाज ने कहा कि तेरे माथे पे परचम बहुत ही खूब है लेकिन तो उस परचम से कहते तेरे माथे पे आँचल बहुत ही खूब है लेकिन तो उस आँचल से परचम बना लेती तो अच्छा था, ये सारी चीज़ें आई इतने कोई नारेबाजी होने लगी।
नारेबाजी होने लगी, उसके बाद जो थी जो मार्क्सियत थी वो खुद ही खुद रिड्यूस होने लगी। हिंदुस्तानी मिजाज में उसका जिक्र नहीं था, हिंदुस्तान वालों ने उसको अपना लिया क्योंकि हमारे पक्ष में कोई उसका इस्लाम से टकराव हो गया तो उन्होंने उसको मालियामेट कर दिया। लेकिन आप ये देखोगे और अपने अंदर ये देखोगे पैसेदार होगा, मैं घूम कर कह रहा हूँ कि ये तरक्की पसंद ख्याल है ना माशरे को चेंज करने का, जो ख्याल है जुल्म के खिलाफ बात करने का शायराना अंदाज में वो आप भी कर रहे हैं और ये इसीलिए कर रहे हैं आप कि वो जो पूरा का पूरा ऊपर से अम्ब्रेला मिले ट्रांसेंड करता हुआ अम्ब्रेला मिल गया था उसने हम सबको मुतासर कर, बाद लोग नहीं करना चाहते, बाद लोग कहेंगे नहीं मैं सिर्फ दाखिली शायरी करूँगा, मैं सिर्फ इरफान सरकार शायरी करेंगे तो दाखिली शायरी करेंगे, उसको बुराई में नहीं कह रहा हूँ लेकिन उनके आप मसाइल नहीं मिलेंगे आपको बेहतरीन शायरी में नहीं। और इसलिए मैं बहुत घबरा था इस बात से कि मेरा उस्ताद है उसने मुझे कहा था जो 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 एक्सटर्नल अवामिल है उनको अदब में डिस्कस नहीं किया करो, मतलब नफ्सियात है मतलब फेमिनिज्म है मतलब बहुत सारी चीज़ें उनको ना करो, तो ये देखो कि अदब के अंदर अदब कैसे पैदा हो रहा है, यानी वो कैसे अदब की शर्तें क्या है, अदब की रिवाजें क्या हैं, अदब की सूरत क्या है, वो तो अपने अदब के अंदर बाकायदगी से जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी जो आसमान से देख रहा हूँ और मुझे एक छोटी सी चीज़ घर नजर आ रहा है आप इस बात से मुतफ़िक हैं कि ये जो हालात बदलते हैं या माहौलियात बदलते हैं वो सब चीज़ें बदल जाएँ लेकिन अदब में हम जब कोई चीज़ आती है अदब जब आपको चीज़ आती है कोई रुझान आता है कोई ख्याल आता है वो मरता नहीं, वो किसी न किसी शक्ल में वो सफर है जो जारी रहता है, चाहे हमें वो माशरे में या सियासत में उस तरह नजर ना रहा हो अदब में बाकायदा नजर भी आता है। शुरू में शरीफ चंद लाइनों का जो मुख्तसर मुख्तर बात थी मैंने बहुत तवील हो जाती, मैंने यही कहा था कि तहरीक कोई मरती वरती नहीं है, वो मर भी जाए तो उसका असर साधा साल ताबा अबद कायम रहता है। मसलन आप कभी अब ये कह ही नहीं सकते कि हम खवातीन के ऊपर जुल्म करते रहेंगे और नहीं लिखेंगे उसके बारे में, सीधी सीधी बात यह है हम रोए सफर हैं हम रोए सफर हैं हमें नमाज है कल और किसी नाम से आ जाएंगे हम। अच्छा अभी आपने वो भी जिक्र किया वो कि मैं वापस आना शुरू किया तो ये जो खास तौर से जब मतलब हम सबकी पसंद तहरीक की बात करते हैं उसके तहत देखे हम मंशूर का हो सकता है। अच्छा ये जो एक ज़माने में एक ख्याल था या ये वो जज्बात थे कि अगर आप तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता हैं तो जब आप लिख रहे हैं तो आपकी तहरीर तरक्की पसंद तहरीर होनी चाहिए उसको लगना चाहिए और आपको तरक्की पसंद अदब अदीब अगर आप कहलाना है या हम आपको कहना चाहते हैं तो आप एक तरीके से वो तहरीर जो है वो आपको आप पर पाबंदी लगा तकलीफियत पर भी असर डाल उसका तकलीफियत पर भी असर था और उसका जो फनकार है उसकी आज़ादी है इस बात पर कितना क्या असर था। देखिए ये तो बात शुरू में तय हो गई थी ना कि शुरू में झगड़ा शुरू हुआ बंटू को नहीं माना आपने, स्वच्छताई को नहीं माना आपने, बहुत सौ को नहीं माना तो आपने अपना नुकसान किया, यानी तरक्की पसंद तहरीक जिससे मेरा गहरा ताल्लुक है हमने अपना नुकसान किया। लेकिन बहुत शुक्र है पहले ही चंद सालों के अंदर ये चीज़ समझ ली गई और आप हैरान होंगे सन 36 से 47 तक का मामला है इसको भी ध्यान में रखिए, 48 में तो पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान जब बन गया तो लाहौर टी हाउस बन गया, वहाँ पर जाके बात करते एक जमाने में लाहौर टी हाउस में एक दूसरे की शक्ल नहीं देते थे, अपने अपने मोर्चे बना के बैठे रहते थे लोग तरक्की पर अंदर बैठे बैठे। उसके बाद रफ्तार रफ्तार ये वक्त आया कि वो सब भूल मिल गए आपस में, फैज साहब ने सबसे बड़ा कमर फैज साहब ने कर देखा जो सारी मंशूर बाजी थी जो छापेबाजी थी नहीं छापेंगे नहीं, ये शुरू शुरू में फैसल साहब ये कसमें स्टिग्मा चले चला रहे हैं उनके साथ नशे कि ये काम शुरू में ही तय कर लिया गया था उससे निजात पा ली गई थी अब कि अब नहीं है। लेकिन मैं फर्ज करें मैं जो मुझसे निकल के बैठा हूँ तो मैं किसी को उसमें शामिल करना चाहूँगा तो उसका रिक्वेस्ट है तो करूँ मेरा कि तुम हो के जरिए क्या तुम्हारा दिल जुड़ा हुआ है समाजी नजरिए से या नहीं, अगर जुड़ा हुआ है तो तुम वो शायरी करोगे, फिर मैं ये नहीं कहूँगा नहीं तुम निकल जाओ तुम नहीं कर सकते आ गए तो आ गए। तो ये खराबी पैदा हो गई थी और उस खराबी को बहुत पीटा, इस खराबी की जो सबसे ज़्यादा बदनामी की वो इंतजार हुसैन ने की है, बुरी बुरी जबान इस्तेमाल करके उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा
हसन अस्करी ने की है और आप हैरान होंगे, लोग हंसे हैं, एक रिसाला निकला बहुत बड़ा, शब खून। शब खून किसी रिसाले का नाम हो सकता है? कदे भी। वो ये था कि दरअसल पसंदों पर शब खून मारा जाए। ये शमसुल फारूकी जहन बना के काम कर रहे थे। अगर आप इस बात को सोचें तो सोचें कि रिएक्शन खतरनाक था, लेकिन आप दरअसल पसंदों पर जा रहे थे। इंतजार हुसैन को, हसन अस्करी को इस तरह जवाब देते नहीं देखेंगे। हसन अस्करी अपने रास्ते पर गए, उन्होंने पाकिस्तानी अदब की तहरीक शुरू कर दी, उसने हंगामी मंशूर पेश कर दिया। तो ये सब कुछ सिलसिले चलते रहते हैं जी। इससे पहले कि हम आजमी से सवाल चल रहे थे, पहले के सवाल जी धन्यवाद तो जो मज़ाहमती तहरीकें चली हैं या चल रही हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मज़ाहमती तहरीकें जो है वो तरक्की पसंद तहरीक ही का ज़ेरी सिलसिला है, क्योंकि तरक्की पसंद तहरीक ही ने मज़ाहमत शिकायत है। इसी तरह जब आप देखेंगे मगरब में भी, आप देखेंगे कि यहाँ पे जब ये नोबेल इनाम इसको मिला गुरुकार को, वह सब मज़ाहमती शायरी कर रहा है, और यह क्या कहते हैं बॉब मार्ले कर रहा था शायरी बैठा हुआ, ये तो चीज़ चलती रहेगी। क्योंकि असल बात है कि तरक्की पसंद नज़रिया, और तरक्की पसंद नज़रिया ही महमीज देता है मज़ाहमत को, तरक्की पसंद नज़रिया ही महमीज देता है निसाइयत को, वही महमीज देता है हक कोई को आज़ादी के सवाल को। तो इसलिए वो मैंने चूँकि मैं कुछ का जिक्र मैंने नहीं किया, और मज़ाहमती पर जो तरक्का के निर्णय लेते हैं उसका वक्त नहीं था मेरे पास, लेकिन मज़ाहमती तहरीक भी इन्हीं तहरीकों का जज्बा है। जी जुने ठीक है। तो ऐसा एक और बात है, रवानी तहरीक के बारे में तो आज बात की आपने, अहमाल और जो दोनों को मिलाया, तो दो बातें करके पहले पहली बात जो रवानी तहरीक की बात हुई, हमारे कहा जाता है कि हमारे सैमान में रवानी तहरीक आई नहीं, और हमारे जो नाम जवाब लेते हैं तो बहुत मुश्किल से आपको ऐसे नाम मिलते हैं जिनको कहेंगे वाकई उसको कहेंगे बहुत रवानी तहरीक से हो सकते हैं। तो ये लेकिन साथ में एक और बात अक्सर कही जाती है कि हमारा जो अदब था रवानी तहरीक के तरफ, हमारा जो अदब रवानी जो शायरी होती वो तो खुद रवानी शायरी की, और उसको हम उसको रवानी शायरी से जोड़ते हैं, जबकि रवानी तहरीक के तहत जो शायरी होती है वो एक मुख्तलिफ मामला था। उसके बारे में कुछ बताइए। उसमें ना उसमें अवाम में कंफ्यूजन बहुत है। जो रोमांटिसिज्म जिसको हम कहते हैं वो ये प्योर लव की कहानी नहीं है, इश्क आशिक की जो कहानी नहीं, उसके जो चार पांच नेचर जो था रोमांटिक मोमेंट के, उसमें एक आइडियलाइजेशन ऑफ वुमेन है कि औरतों को या निसाइयत को हम आइडियलाइज करेंगे, उसके अलावा हमें अपने तख़य्युल को परवास करके ले जाना है, हमें ज़मीन पर नहीं देखना है, आसमानों में से अपने सिलसिले ढूंढ के लाने हैं। तो जब रोमानवी तरीके हम उसको कहते हैं तो वो शायरे वो सारी की सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ औरतों से मोहब्बत के नाम रोमानी शायरी नहीं है। अख्तर शिरानी ने थोड़ा बहुत किया, जो कुछ भी किया, लेकिन ये कि उमूमा शायरी ये हो रही है कि मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद हूँ लिखने के लिए, मैं आज़ाद हूँ अपने ख्याल के लिए, तो मैं जो हूँ वो सिर्फ औरतों की बात नहीं, तो औरतों की बातें नहीं कर रहा हूँ। और हम हमेशा जैसे रोमान आता है ना तो फौरन आता है कि जी औरतों से मोहब्बत की बात नहीं, ये नहीं है। रोमान के अंदर असल बात यह है कि मैं बहैसियत अपने शायर कि है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यारा, हमने नक्शे इनका को एक नक्शे हमने दश्ते इनका को एक नक्शे पा पाया, शायद वहां जाके धीरे लाल खुद रोमानी शायर था। मैं बात नहीं करनी चाहता, यानी रोमानवी जो है समावियत है, बहुत ऊंची अरफा दर्जों पे जाके शायरी की जाती है, उसमें जोश होता है, जज्बा इसलिए जोश भी उसमें शामिल है, इसमें इकबाल भी शामिल है। इकबाल की जाते हैं कि बुलंद आहंग है, रोमानवी में इंकलाब भी होगा आज़ादी भी होगी, लेकिन फ़र्द की आज़ादी के साथ साथ बाकी अखबार में और रंग देंगे, तो हमारे लेकिन हमारे मेन रोमानवी शायरों में इकबाल सर फहरिस्त हैं। अच्छा वो तो जो आपने जो अभी जो बातें हैं जो लवाजमत हैं वो तो अब 30% भी हो ही जाता है, बल्कि शायद अक्सर अदीब अदर अक्सर फनकार होते हैं लिखने वाले वो वही मकसद तो उनका वही होता है, लेकिन जब हम रोमानियत को दूसरों से अलग करते हैं तो हम वहाँ पर आइडियलिज्म की बात करेंगे ना, यानी वो जो बात कर रहा है असल में वो एक आइडियल दुनिया नहीं, तरह के पसंद रोमांसिक को अलग करना पड़ेगा, तरह के पसंद रोमांटिक होते हैं तो वो भी ख्वाब देखते हैं, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जो रोमानवी प्योर लोग होंगे वो समाज की बात नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे।
वो दाखिलियत को कहते हैं मेरे पर समाज की जान छोड़ा हो, मैं तो अगर अपने अंदर देख रहा हूँ, मैं तो अपने दर्द को अपने कर्ब को महसूस करके बयान कर रहा हूँ, शायद करके मैं अपनी कहानी सुना रहा हूँ आपको, आप सुने या नहीं सुने। लेकिन जो लिखने वाला बड़ा शायर है जिसको हम तरते पसंद कहते हैं रुमानियत के याबाले जदीद वालों के, वो ये है कि हम जो है समाज के लिए काम कर रहे हैं, वो कहते हैं मुझे समाज से दूर रखो, यही बुनियादी झगड़ा था। अच्छा तो हम तो आपको सवाल जवाब किया, बल्कि हमारे दोस्तों ने उन्होंने कहा है हमसे जरूर सवाल लेंगे, उससे पहले मैं पास हो गई जैसे मैं वादा किया था मैं अगर मैं बस मौके की मुलाजमत से मेरा जो तहसील पेश करना चाहूँगी दरअसल ये भी एक तहरीक नहीं है बल्कि तंजीम कर लीजिए तहरीक कर लीजिए जितने अरसे से ये काम कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि साइलेंट पार्टनर है अभी कहीं जितने भी है, तो मैं एक तरफ तो आपको खराज तहसील पेश करती हूँ कि इस ना तो सदाइश की इनको तमन्ना है ना सिरे की परवाह है कि मेरी किताब छप जाएगी, उस पर बहुत से लोग आ जाएंगे जैसे कि गली गली तंजीमें बनी हुई हैं आजकल कि उसमें लोग वाह वाह करेंगे मेरे मेरे शेर सुनेंगे, तो ये सबब नहीं है इनका, ना तो कोई किताब मुशायरा करके पेश कर रहे हैं ना अपनी शायरी सुना रहे हैं, एक मकसद के तहत लेके चल रहे हैं। लेकिन उनके साथ साथ आपने तरक्की पसंद तहरीक कर ली आपने बीड़ा उठाया हुआ है, ये बीड़ा तो उठाया हुआ है आपने जितनी कामयाबी से आप दूसरी महफिलें होती हैं आपकी तरक्की पसंद तहरीक के हवाले से नहीं लगता कि उतना काम हो रहा है, इस तंजीम के तहत भी हालांकि तंजीम मौजूद है उसकी क्या वजह है, क्या ऐसा है कि तरक्की पसंदी के नाम से ही लोगों को पौने लगा है, जैसे कि मैंने महसूस किया कि जो तरक्की पसंद है वो लिबरल है, जो लिबरल है वो मजहबी नहीं है, तो उसकी क्या वजह है कि उस तरह आपकी तरक्की पसंद तहरीक के तहत जो आप काम कर रहे हैं वो उसमें इतनी ज़्यादा नहीं नज़र आता काम आपका जितना और चीज़ों में नज़र आता। जी बिल्कुल आपका बिल्कुल मुनासिब सवाल है, मुनासिब सारी मुश्किल ये है कि आप समझती भी हैं कि क्या कहते हैं कि एक अकेला दाना कितना भार झोंकेगा, तो होता ये कि हम लोगों को ढूंढने निकालते हैं तो फिर लोग मिलते नहीं, और दूसरी बात ये ऑनेस्टली जो मसला है अदीब शायरों के अंदर कि उनके अंदर अपनी अना के झगड़े इतने ज़्यादा होते हैं जब किसी को करीब करके लाओ भी तो थोड़े दिन में वो भाग जाते हैं आपको छोड़ के, क्योंकि ये बहुत कठिन रास्ता है। जब हम उसको बात करें धर्म कहेंगे भवानी का मजाहमती हम मजाहमती की तहरीक का कुछ काम कर देंगे जो काम करते हैं अपने तौर पे जैसे भी करेंगे, जब हम ये करने जाएंगे तो बहुत सारे लोग दामन कतरा के भाग जाते थे इसको पैसे चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको रजतर शौक का एक शेर सुनाता हूँ कि न तो दिन मेरा था न शब मेरी मैं तलाश नाने जबी में था, सारी गुजर गई मैं तलाश नाने जबी में था, कोई एक रुख मैं नाने शब तो गजल सारा को भी चाहिए, सो गजल भी कम ही लिखी गई मैं तलाश नाने, इसीलिए कुछ काम कम रह जाता है कुछ हो जाता है। लेकिन मैंने जैसे अपने तौर पर हमारे लोगों ने काम किया कि हमने कुछ तरह के पसंद किताबें तो छपवाई है ना। हाँ आपसे एक सवाल ये भी था, ये बड़ी खूबसूरती से पहले बजा के निकल गए हमारे मुनीर साहब उससे जो इन्होंने इतने अरसे में मुझे मालूम है जिस खानवादे से ये ताल्लुक़ रखते हैं उसका भी हमें मालूम है कि इनके अंदर रगों में कौन सी आग दौड़ रही है, लेकिन आपने बहुत से काम भी किए हैं उसके तहत और आप उसको नज़र बचा के निकल के ज़रा उसकी भी तफसील बता दीजिए लोगों को। ऐसे में खुद नुमाएँ होती है और करना नहीं चाहिए, खुद नुमाएँ होती है और अच्छा नहीं लगता है, अंजुमन के नाम से मैं कह सकता हूँ कि हमने अंजुमन बनाई तो फिर हमने रसा चुकताई की किताब छपवाई, हमने नूर जहीर की किताब जो जो ये तरह के पसंद है हमें आपको उनसे इख्तलाफ हो सकता है उनकी किताब, अभी हमने हारिस अली की किताब छपाई तरह के पसंद अंजुमन तक मुसन्निफ के नाम से, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा दाम दबड़ी खर्च होती है, और उसके अलावा कुछ और किताबें हमने छपवाने की कोशिश की, तो जो कुछ कर सकते हैं वो कर रहे हैं, और ये कि ज़रूरी नहीं कि हमारा नाम उसमें एक लाइन लग जाती है अंजुमन तरह पसंद मुसन्निफ़ की हिमायत से उन्हीं पर भी उसका नाम नहीं होता ना होना चाहिए। आपने काफ़ी तफसील से अदबी तहरीक के बारे में बताया, मेरे लिए तहरीक जो है वो इटसेल्फ द वर्ड वो मूवमेंट है, जब तक
उसके अंदर तहरीक नहीं होगी वो तहरीक नहीं हो सकती। लिहाजा मुआशरे के अंदर जो कुछ तब्दीलियां आ रही हैं, हालात हाजरा में जो कुछ तब्दीलियां आ रही हैं, वो तमाम तर तब्दीलियां आपके लिखने पे, आपकी शायरी पे, आपकी बातों पे असर अंदाज होती है और होनी भी चाहिए। जंग होती है, अगर जंग के बारे में ना लिखा जाए और उससे मुतल्लिक ना लिखा जाए, जरूरी नहीं कि वो सिर्फ जंग की तरकीबों के बारे में, जंग पे के हवाले से कहानी, नज्म, गज़ल जो कुछ भी है वो लिखा जाना चाहिए। तहरीक तरक्की पसंद के साथ हमेशा प्रॉब्लम ये रही है कि वहां पे आपने ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव मूवमेंट की जिक्र किया, सज्जाद फकीर साहब का जिक्र किया जो विलायत से होकर के आए और आपने आकर के जो है हिंदुस्तान में दाग मिल डाले और एक प्रोग्रेसिव मूवमेंट। चीज ये कि इख्तलाफ की वजह जो बनी वो ये बनी कि हम लिखने वाला जो है, जो लिखारी है, जो कहने वाला है, वो किसी का हुक्म नहीं सुनता, वो सुनता है तो अपना तखय्युल और अपनी जात में से जो बात निकलती है उसको सुनता, वो आपकी डिक्टेट को नहीं सुनता। लेकिन जब ये प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स में ये काम शुरू हो गया कि नहीं आपने सोवियत फलसफा जो है या मार्क्सिस्ट फलसफा जो है उसको भी लेकर के आगे चलना है तो मुश्किल हो। यहाँ तक कि मंटो जैसा एक लिखारी जिसकी बहुत सारी लिखत जो है वो सोसाइटी में जो इल्स है, जो खराबियां हैं, उनके हवाले से लिखी गई बात और उसको अपने कुछ और करने दे दिया, उसने प्रोग्रेसिव मूवमेंट में आना बंद किया है, कि ये अजलास में आना बंद कर दिया। इसी तरीके से केवी अजमी साहब ने और बाकी हजरात ने, उसमें सरदार जाफरी साहब ने, उन लोगों ने आना बंद कर दिया। बड़ी अच्छी किताब है हमीद अख्तर साहब, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट थे, शायद नाम सुना होगा, वो सेक्रेटरी थे ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव मूवमेंट बंबई के और वो हिजरत करके फिर पाकिस्तान में चले गए। वो किताब मिनट्स ऑफ दोज मीटिंग्स में वो पढ़ने से ताल्लुक रखती है क्योंकि उसमें जिस किस्म की गुफ्तगू इख्तलाफ तो हर जगह होता है, दो शख्स हैं, एक जहन से सोचता है, दूसरा दूसरे जहन से सोचता है, तो इख्तलाफ से तो हमें घबराना नहीं चाहिए, इख्तलाफ को तो हमें वेलकम करना चाहिए। और यही बात अभी आपने जो एक बात कही कि जी वो इस्लाम से मुतासर हो गया, वो उधर फला चीज से मुतासर हो गया, आज जो है रोना पड़ा हुआ है कि जी उर्दू खत्म हो रही है, उर्दू खत्म होती जा रही है। भाई उर्दू खत्म नहीं हो सकती, उर्दू में नए नए अल्फाज, नई नई बातें, नई नई चीजें आती रहेंगी और यही राज है एक जुबान की तरक्की का, उसके कल्चर की तरक्की का, उसकी तहरीर की तरक्की का। ये मैं अर्ज करना चाहता था। नहीं, बहुत शुक्रिया। मैं सबसे मैं दरख्वास्त करूँगा डॉक्टर खरसवेल साहब, अभी आपकी डॉक्टर साहब मेरे ख्याल से मुजाहिद साहब ने मेरी सारी बात गौर से सुनी नहीं। मैंने शुरू में ये कह दिया था कि उर्दू जो है जो मुतहरक जबान थी उसका तहरुक अब भी कायम है, मुसलसल चल रहा है। तो तरक्की पसंद तहरीक के नेगेटिव थे, मैंने ये कह के कि हालांकि मेरा खुद उससे नजरी ताल्लुक है, उसके नेगेटिव्स को मैंने बयान कर दिया था कि ऐसा हुआ है, ज़्यादती हुई थी, वो बुरा हुआ था, उसके लोग अलग हो गए थे, मंटो का नाम मैंने अलग होने वाले भी, इसमत का नाम अलग होने वाले, तो ये बातें तो हम मानते हैं। लेकिन उसके बरखिलाफ जो रिएक्शन था इंतजार हुसैन का या शम सलमान फारूनी का या हसन असगर का, वो भी बहुत तबीही था। तो तब वो भी लिखा गया है, कोई और वो लिख देगा, ये लिखा हुआ हम लोग सबके सामने है। जो बात आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है कि
ہاں آزاد آپ نے کہا جنگ کی بات, تو اس سے بڑی نظم کون لکھے گا کہ گزشتہ جنگ میں گھر ہی جلے مگر اس بات عجب نہیں کہ یہ تنہائیاں بھی جل جائیں, گزشتہ جنگ میں پیکر جلے مگر اس بات عجب نہیں کہ یہ پرچھائیاں بھی جل جائیں. تو صاحب لدھیانہ نے لکھا تھا, ظاہر متاثر ہو کے لکھا تھا, جنگ بھی لکھا تھا, اب بھی جنگ ہو رہی ہے تو لوگ لکھ رہے ہیں. جیسے عام تھا جب ویتنام میں لڑائی ہو رہی تھی تو کسی نے لکھا کہ یار وہ ایک لڑائی ہے ویتنام سے منگو پیر تک, منگو پیر پہ گولی چلی, ہمارے منگو پیر روڈ پہ انڈسٹریل ایریا ہے ویتنام میں, تو لکھا خالد علی نے کسی نے کہ یار وہ ایک لڑائی ہے ویتنام سے منگو پیر تک. یہ چیزیں تو ہوتی چلی جا رہی ہیں اور لکھتی چلی جا رہی ہیں. ویسے اور ادیب شاعر اگر محسوس کریں گے کہ ہمیں سماج کے بارے میں لکھنا ہے تو وہ لکھیں گے. جب انہوں نے ہم داخلیت کے اندر ہم نہیں لکھیں گے تو پھر مشکل پیدا ہوگی. اسی لیے دونوں کا ہونا ضروری ہے. بہت شکریہ. سمجھتا ہوں کہ میر پرویز صاحب نے بہت ہی اسکالرلی جو ڈسرٹیشن تھی ہسٹوریکل بھی تھی اور ڈیپتھ بھی تھی. ایک پہلو جو چونکہ میں نفسیات کا طالب علم ہوں تو ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ جو باتیں انسانی نفسیات کے حوالے سے سگمنڈ فرائڈ اور کارل جنگ نے کی, انہوں نے انڈیویجول انکانشیس فرائڈ نے بات کی, جنگ نے کلیکٹیو انکانشیس کی بات کی, اس کا اثر بھی جو ادب پر آیا اس کی دو مثالیں جو ہیں, جو جب ورجینیا وولف اسٹریم آف کانشیسنیس کی بات کرتی ہیں اور جین جوائس نے جو یولیسس کی بات کی, تو ایک پہلو یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ہم زبان شعوری طور پہ اختیار کرتے ہیں اور کچھ چیزیں ہم لاشعوری طور پہ کرتے ہیں. تو ادب کو انسانی انفرادی اجتماعی جو نفسیات ہے اس کو سمجھنے کا ایک وہیکل ہے کہ ہم اگر کسی دور کے ادب کو سمجھتے ہیں تو اس سے اس کے ان کی نفسیات کا بھی پتہ چلتا ہے, اس دور کی جو نفسیات ہے اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے. تو یہ ایک پہلو میرے ذہن میں آیا تو میں نے کہا میں آپ لوگوں سے شیئر. بہت شکریہ ڈاکٹر بلند احمد. آپ نے اس سے ہمیں یاد کرا چلو ہوں آپ لوگوں تو جن جو بھی آپ لوگ گفتگو شریک ہونا چاہیں, جو سوال کرنا چاہیں آپ کو بتا دیں گے اور اسی حساب سے مائک تک آپ تک پہنچے گا تو پھر جنرل سوال کریں جواب بھی دینا. اچھا ہاں اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو ضرور کہیے کہ ہاں یہ سوال ہے. میں کچھ جاننا چاہ رہا تھا, اصل میں کچھ چیزیں کبھی کلیئر نہیں ہوئی. تو کچھ دنوں پہلے میں نسیم آفیق صاحب ان کی کتاب پر ڈسکشن کر رہا تھا تو یہ سوال آیا تھا اس وقت, تو مجھے جب یہ موضوع ملا تو میں نے کہا یہ سوال میں آپ سے ضرور پوچھ لوں گا کیونکہ مجھے ایک آئیڈیا نہیں ہو پایا ہے. اور میں سمجھنا چاہ رہا تھا کہ اس کے ڈائنمکس کیا ہیں اصل میں, تو ممکن ہے منیر بھائی کلیئر کر دیں. اصل سوال یہ تھا کہ جب نوآبادیاتی دور میں جو پرابلمس یہاں پر آئے اور یہاں پر جو لٹریچر لکھا گیا ریٹیلیشن میں وہ بڑا امپیکٹ فل نظر آیا ہے کہ صاحب یہاں کے ابوریجنل ادیبوں نے لکھا جب مغربی قومیں یہاں آئیں نارتھ امریکہ. تو میں نے نسیم آفیق سے پوچھا اس ڈسکشن کے دوران کہ جب یہ کولنائزیشن ہماری ہوں گی تو ہندوستان میں کس قسم کا ادب لکھا گیا, کیا ریٹیلیشن میں لکھا گیا, نہیں لکھا گیا تو اس کی کیا وجہ ہے, تو وہ بات پھر رہ گئی پیچھے. اچھا وہ تو ایک سوال میرے ذہن میں تھا. پھر میں ایک اور بات سوچ رہا تھا ابھی اس ڈسکشن کے دوران کہ اگر ہم قدیم ادب ویسٹرن لٹریچر کے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ ہمیں اپنے یہاں کے لٹریچر پہ نظر آ رہا ہے, ہماری ہسٹری 300 سے 500 سال تک کی نظر آتی ہے, ان کی تاریخ 2000 سال کی نظر آتی ہے, ان کا سلسلہ اوڈائسی سے شروع ہوتا ہے, ہمارا سلسلہ ہم جب ایک دوسرے کو کمپیئر کرتے ہوئے چلتے ہیں تو کئی جگہ آ کر رک جاتے ہیں. مثلا یہ کہ پیراڈائز لاسٹ نظر آتی ہے میڈیول دور میں, ہمیں میڈیول دور کا ادب کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم وہاں پر کیا لکھ رہے ہیں, کس قسم کی چیز آ رہی ہے ہمارے میڈیول دور میں. یا جب ہم آگے جاتے ہیں رینیسانس میں تو ہمیں ایک الگ طرح کا لٹریچر یہاں نظر آتا ہے کہ صاحب رینیسانس میں چونکہ میڈیول دور کا پورا ایک پیراڈاکسیکل ریئیکشن سامنے آ رہا ہے, ایک ریئیکشن نظر آ رہا ہے, تو ادب بھی ویسا آ رہا ہے. ہمارے یہاں وہ دور مختلف ہے, ہمارے یہاں ابراہیم غوری آ رہا ہے, مغلیہ حکومت آنے والی ہے, 300 سال کی پوری ایک ڈکٹیٹرشپ آنے والی ہے, بادشاہت آنے والی ہے, ہمارا بالکل پیراڈائم مختلف ہو جاتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر انڈسٹریلائزیشن آتی ہے, اس کے ریئیکشن میں ایک آپ نے جیسا فرمایا رومانسزم آتا ہے. ہم ابھی تک 17th century میں اس دور میں ایک الگ طرح کی سچویشن کی گرفتار ہیں, ہمارے یہاں 1857 کی جگہ آزادی آنے والی ہے, ہمارے یہاں اور مسائل آنے والے ہیں, ہم ابھی تک اس کے شکار ہیں. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ورلڈ وار ہوتی ہے, ایک پوری کی پوری چینج نظر آتی ہے, ماڈرنائزیشن پوسٹ ماڈرنائزیشن جو بھی سچویشن بنتی نظر آتی ہے, بھائی یورپ میں جنگ ہوئی ہے ان کے ریفلیکشنز بنے, ہمارے مسئلے وہ ڈائریکٹ نہیں تھے. ہماری سچویشن جو ہے وہ ٹائم اسپین کے لحاظ سے بھی شارٹ ڈیوریشن کی ہے, ان کی لانگ ڈیوریشن کی ہے. ہم ان کی فلاسفی کے ہم دیکھتے ہیں ہمارے پولیٹیکل سوشل ڈائنامکس مختلف ہیں, ہم ایک الگ طرح کے کنسٹیٹیوئنٹس کے میں ہیں
और हमारे पास अदब की जो रिफ्लेक्शन आ रही है वो यहाँ से आ रही है, लाइक एक जो तजुर्बात यहाँ पर हो रहे हैं, और ऑफ कोर्स जैसे कि फरमाया उन्होंने कि मूवमेंट होती चली जा रही है और इसके इसके रिएक्शंस नज़र आ रहे हैं। और मेरा ख्याल है अदब का काम भी यही होता है कि यू नो सोसाइटी एक डायरेक्शन में जा रही है तो उसके लिहाज से, लेकिन हमारे यहाँ सोसाइटी रिग्रेसिव होती चली जाती है, हमारे यहाँ प्रोग्रेसिव मूवमेंट हो या कोई भी हो, जो भी रिफ्लेक्शन आती हैं वो अपनी जगह वहीं रहती हैं और फिर उसके जो भी मसाइल आते हैं मगर सोसाइटी और तरफ चली जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो नेचुरल फिनोमेना में नहीं है, शायद इसके अंदर लिटरेचर के मसले हैं, शायद आई डोंट नो इंटेलेक्ट के मसले हैं, क्या है सवाल समझ रहे मेरी बात को? तो मैं इस कंफ्यूजन में था, तो मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्या हम वाकई उनकी जो रिफ्लेक्शन आ रही हैं उसी के लिहाज से कि साहब जैसे मूवमेंट वहाँ से आ रही है उसी के लिहाज से हमें उसको परसीव करना है, जैसे कि प्रोग्रेसिव मूवमेंट की बात हुई तो क्या हुआ, कुछ फर्क तो नहीं पड़ा? मतलब ये आप मेरी बात समझ रहे ना, ये अब जैसे पोस्ट स्ट्रक्चरिज्म आ गया है यहाँ पे, एक लिटरेचर के नए तजुर्बात हो रहे हैं, अब हम उस तजुर्बे में चले जाएं अपने तरफ। अब मैं कुछ करूं? हाँ। तो मैं आपका सवाल बिल्कुल भी नहीं समझ पाया, लेकिन ये कि मैं सिर्फ यह कह सकता हूँ, देखिए हम लोगों को जरूरी नहीं है कि हम उस रिएक्शन के अंदर जो मतलब वहाँ पे हो रहा है उसको हम कर करके अपना पैसे कर रहे हैं, हमारे अपना बहुत कुछ काम हो रहा है। मसला क्या है, हम पढ़ लिख तो कुछ रहे नहीं है ना, हम में से इतने सारे लोग यहाँ बैठे हैं, आप कितने वहाँ से कुछ भी मसाइल वसाइल उठा के पढ़ रहे हैं, रेख्ता इतना बड़ा नए से पुरानी किताबों का कंटेंट लेके बैठा है उसको हम नहीं पढ़ रहे हैं, और तो जो अपने का रिएक्शन जोश वाली आबादी ने जंग के ज़माने में जो जो लिखा है और कितनी कितनी मुसीबत, हर सलाम है हिजदर आजम सलाम है रहबर आजम के बकंदम पस की जानी जो की बार हो जाना हमारे नाम का भी एक गोला फेंकते आना, ये लिख रहा है वो, ये लिख रहा है नवाबादियती निज़ाम में और कितनी सारी लिखी जानी कितने लोग बंद हो रहे हैं, और अभी भी आपके पाकिस्तान में मुसलसल लिखा चला जा रहा है, जबर के निज़ाम में भी लिखा चला जा रहा है, लोग खड़े हो रहे हैं, खवातीन अपने मार पिट रही हैं मर रही हैं, कमर खलीर खबर ऐसे इडियट को वो भुगत रही हैं, ये मुकाबले कर रही हैं, लोग लिख रहे हैं, शाही साहब लगे हुए हैं इस काम के अंदर जो आपने कही कि वहाँ पे अच्छा और डीसी और इडियट हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए नहीं है कि जब आपके यहाँ कुरतुल्लाह हैदर ने आपका दरिया लिख दिया, जब आपके यहाँ अब्दुल्ला हुसैन ने उदास नस्लें लिख दी, आपके यहाँ फैज़ ने क्या क्या लिख दिया, तर्जुमा हुआ जो हुआ तो पहुँचा। ईशाई साहब सन 2012 से इसी काम में लगे हैं कि हमारे बड़े अदब को अंग्रेजी में तब्दील करके सामने ले आए, तो हमारे यहाँ ओडिसी फिल्म लेकिन हमारे दास्तान में अमीर हमजा पूरी मौजूद थी और एक बहुत ही अच्छे आदमी मुशर्रफ आजम ने उसका तर्जुमा भी कर दिया, तो ऐसी बात नहीं। अब भाई हमारे आपने खुद ही कहा कि वक्त कम है हमारे पास, वहाँ पर वसाइल कम है, लेकिन हमारे लोग काम तो करे जा रहे हैं अंग्रेजी में भी उर्दू में भी, और मोहम्मद हनीफ लिख रहा ना बैठ के द केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज लिख तो रहा है ना, और इसी ज़माने में लिख रहा है जबर के ज़माने में लिख रहा है, तो ये काम तो हो रहा है वहाँ पर, ऐसी बात नहीं है, हम लोगों को नज़र नहीं आता। रशीद नदीम जी, मनीष भाई आपने फरमाया कि मार्क्सी जो फिक्र थी उसका इस पाकिस्तान में इस्लामी फिक्र के साथ टकराव हो गया, तो मुझे तो लगता है कि अमरीकन मफादात के साथ ज़्यादा टकराव हो गया था और पाकिस्तान आर्मी ने पूरी तरह उन मार्क्सी अदीबों को दबाया और डराया और धमकाया, हत्ता कि उनमें से बहुत सारे हुसैन साहब की जो चरागों का धुआं में उन्होंने लिखा कि बहुत से मार्क्सी जो अदीब थे उन्होंने इनकलाब के नारे छोड़ के तो दोपल्ली टोपी पहन ली, तो क्या ख्याल है कि वो उसकी वजह अमेरिकन मफादात है? मेरे ख्याल में आसान जवाब के अदबी मौजू नहीं है उसको वो बात ना करें, लेकिन हकीकत यह है कि जाहिर है मार्क्सिज्म का बहुत बड़ा मुकाबला अमेरिकन कैपिटलिज्म से था और अमेरिकन कैपिटलिज्म ने साल की जद्दोजहद उसको रिसीव कर दिया, उसको पीछे धक्का दे दिया, लेकिन उसके बावजूद अभी तक भी मार्क्सिज्म के ऊपर पाकिस्तान में भी काम होता है और काम होता है, वो अपनी जगह पर वो नज़रिए तो महफूज है ना मौजूद कि आज जो है वो मजदूर की मजदूरी में इजाफा करके उसका नफ़ा अपनी जेब में डालता है,
ये काम तो ख़त्म नहीं हो गया, तो अमरीका करे कोई करे, मतलब किसी न किसी ने आपके ट्रेड यूनियन ने सारी ख़त्म कर दी गई, आपके सरमाएदार इतनी बड़ी हुकूमत के साथ मौजूद है, लेकिन लिखने वाले तो लिख रहे हैं उसके खिलाफ। अंजमतर के पसंद उसने भी पाकिस्तान में कही गई, ये बैठे आपके बराबर में अजहर साहब, उसी से इसका ताल्लुक है, और भी लोग बैठे, अपनी अपनी कोशिशें करें भाई, जहाँ जा के सतून दार पे रखते चलो सरों के चराग, जहाँ तरह के सितम की सियाह रात चले, ये बात मौजूद तो है ना, वो करने वाले कर रहे हैं। जी जी मीर अली जी, मीर अली साहब, मैं आपके से क्वेश्चन पूछ सकता हूँ उर्दू के हवाले से? जैसे मेरा बैकग्राउंड म्यूजिशियन है, बोथ इन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, अभी एक बहुत बड़े उस्ताद लखनऊ और शाहजहांपुर घराने से यहाँ पे आए थे, सरोद उनका इंस्ट्रूमेंट है इंडिया से, तो कुछ टाइम मिला बात करने का, तो मैंने उनसे कहा था कि ये सिखाने क्लासिकल म्यूज़िक सिखाने का जो रिवाज है मुख्तलिफ घरानों से, इसका आगे क्या होगा, क्योंकि मैंने आपकी बायोग्राफी में पढ़ा कि यू आर द लास्ट ऑफ द फिफ्थ जनरेशन ऑफ दिस, कह लगे हाँ मेरे बात तो ये ख़त्म हो रहा है क्योंकि मेरे कोई बच्चे नहीं हैं, मैंने उन्हें सिखाया नहीं है, और पुरानी जो सिखाने का रिवाज था कि स्टूडेंट्स यूज टू मूव इनटू द हाउस ऑफ द मास्टर, वहीं रहते थे, उनकी खिदमत करते थे, तो रविशंकर साहब भी आ रहे हैं मिलने के लिए, चाय पे बैठ गए, उनसे भी कुछ सीखा, लड़कियाँ जो हैं वो घर का काम करती थी और फिर सीखती भी थी, सो इट वॉज अ लाइफ स्टाइल बैक देन। अब जो हो रहा है वो ये हो गया है कि आवरली काम चल रहा है घंटे के हिसाब से, और क्या कहते हैं आपके के जूम पे काम चल रहा है, या मुख्तलिफ मतलब बहुत ही कमर्शलाइज वो घराना जिसे हम कहते थे, और दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर सरोद, मैंने देख रहा हूँ पिछले काफ़ी सालों से कि ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है, और बट देयर मेनी वेरिएबल्स बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से बच्चे नहीं सीखना चाह रहे, पेरेंट्स डिस्करेज कर रहे हैं कि डॉक्टर बन जाओ, ये जो कि हमारा कल्चर में पिछले काफ़ी जनरेशन से ये हो रहा है। क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या आप समझते हैं कि उर्दू के हवाले से शायरी लिखने के लिए जिस तरह गालिब के ज़माने में या उन लोगों के ज़माने में था, अब आगे क्या फ्यूचर है सिखाने का और सीखने का, ये ट्रेडिशन आगे बढ़ाने के लिए? कि आपके दो जवाब हैं मेरे पास, पहले तो मौसीकी के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि पूरी तालीम उन उस्ताद साहब को नहीं मिले करने वाले, अभी हमने रिसेंटली शाहिद अली साहब, उस्ताद शाहिद अली बहुत मशहूर पाकिस्तान के उस्ताद हैं, उनकी किताब हमने अभी, उन्होंने रागों के ऊपर अंग्रेज़ी में अपनी किताब का दूसरा एडिशन शाया किया है, तो हमने अभी शाया करने में मदद की है, और ये उसको प्रोग्रेसिव राइटर्स का नाम लिखा हुआ है, तो ये बुनियादी तौर पर ये सारे काम जो है ज़रूरी हैं, होने चाहिए। जैसे उर्दू का मामला है भाई, तो उर्दू तो पहले पाकिस्तान में होगी ना, वो लिखना पढ़ना वहाँ होगा, वहाँ स्कूलों कॉलेज में हो रहा है, कनाडा के अंदर आप अगर आ गए हिजरत करके फिर आप कहें कि मैं उर्दू भी सीख लूँ, बच्चों को भी सिखा लूँ, तो ये तो मुश्किल काम है, इसमें मुश्किल होगी, लेकिन बहुत सारे रिसोर्सेज फिर भी मौजूद हैं। मेरा बड़ा एक सतही और मुझे ज़ाती इल्म के लिए मैं जानना चाह रहा हूँ, तारीख के हवाले से लोग गुफ्तगू हो रही है, आपने कहा कि जो उर्दू अदब में तहरीकें चली वो मगरबी तहरीक से वाबस्ता रही या उनको लेके आगे चली है या उनसे मुतासर रही, उर्दू अदब के अंदर जितनी असराफ है वो फारसी और अरबी से आई है, और उर्दू अदब पर फारसी अदब और अरबी असर का असर भी रहा, बहुत अरसे मुगलिया अहद के अंदर ही उर्दू जबान ने उरूज पाया, तो ये क्या वजह है कि खास अहद में आने के बाद हमारा अदीब और माशरे में बसने वाले लोग क्या जहनी तौर के ऊपर शौरी तौर पर मगरबी तहरीकों से मुतासर नहीं थे, क्योंकि ये तहरीक तो अरबी लिटरेचर में भी और पर्शियन लिटरेचर में भी होंगी, क्योंकि मुगलिया बादशाहों ने तो पर्शियन को आपकी सरकारी जबान बनाया हुआ था और उसके असरा तो बहुत ज्यादा थे हिंदी। देखिए उसका जवाब बहुत ही सतही, मेरी भी नॉलेज है और ये मेरा बहुत काम है तो मैं कोशिश करता हूँ। देखिए सीधी सीधी बात यह है कि जो पहली तरीके जो मैंने कही ना आपको, वो टोटली इंडिजिनस तरीके थे, यानी रेख्ता से रेख्ता और रेख्ता से यहाँ बहुत लोकल तहरीकें थी,
जब आगे बढ़े अंग्रेजों का आपके ऊपर कब्जा हो गया तो आप माने या नहीं माने अब आपको आप और आप फना हो गए। 1957 में मुसलमानों का बेड़ा गर्क हो गया हिंदुस्तान में और हिंदुस्तानियों ने यानी हिंदुओं ने, मैं अपने डिस्टिंग्विश नहीं करना चाहता हूँ, उन्हें ऑलरेडी अंग्रेजी उलूम सीखने शुरू कर दिए थे तो हम बहुत पीछे रह गए। और हम अकलियत नहीं करते थे, मुलायत करते थे, मदरसे खोल के बैठे हुए थे, पढ़ते नहीं थे। तो वापस दरस निज़ामी जब से अब तक चले चला आ रहा है हमारे जो है मौजूद, तो उसके अंदर जो नई चीजें थी उनको सीखने की जरूरत पड़ी। हमने अपनी साइंसेस को 700 साल पहले अरबिया में दफन कर दिया था, अब तक पहुंची नहीं थी। हम कारखाना नहीं लगाना चाहते थे, हम छापाखाना नहीं लगाना चाहते थे, वगैरह वगैरह। तो ये सब करने के बाद ये कहना चाहते, मैं उससे बचना चाहता कहने से कि हम वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस के अंदर मूवमेंट्स को लाते हैं, जो नेचुरल है वो तो होता है। जब आप एक अब तो ग्लोबल विलेज में आप रहते हैं ना, अपने ज़माने से रहते हैं, तो जहाँ कुछ भी हो रहा है आपको पता चलेगा। लेकिन फारसी के अंदर से कोई अदबी तहरीक हमारी तरफ आते हुए नज़र आई नहीं, क्योंकि जो आपके बादशाह हुक्मरान थे वो भी अदब को इस तरह से नहीं ला रहे थे। नीचे वो मुशायरे तो करवाते थे अपनी फन तबा के लिए, अपनी अपनी खुशी के लिए, लेकिन वो वहाँ से उलमा और फिरदौसी वगैरह को नहीं बुलाते थे कि यहाँ के आपको सब कुछ शायरी सुनाओ। वो आपको गालिब को वजीफ़ा देते थे, ज़ौक को वजीफ़ा देते थे, गालिब वजीफ़ा खार हो दो शाह को दुआ, इस तरह से काम चल रहे थे। तो इसलिए बदकस्मती से कह सकते हैं आप, चूँकि न अरबों ने ना, अच्छा अरबों में भी भाई कोई नस्ली पूरी मूवमेंट मौजूद नहीं थी। अरबी शेरियात थी अपनी जगह पर, लेकिन उस तरह से हमारे अरबी का हमारा मिजाज नहीं था, हमारा मिजाज फारसी का था। तो फारसी तो हमने लिया, शेरुल अजम जो है किताब वो शिबली ने लिखी ना, तो शेरुल अजम से ही उर्दू को सिखाया है, उसे सिखाया, उसे कायदे सिखाए हैं, कोई नई नई। अच्छा वो सब पुराने उलूम थे ना, मरसिया था, रसा थी, कसीदा था और मरसिया था, अब नई नज़में तो नहीं थी उनके यहाँ, भी नहीं थी। तो सब ये चीज़ें बाद में पैदा हुई जी। अच्छा, मेरा एक तो बड़ा तलबा सा बुनियादी सवाल ये है कि क्या इस रश्ट लाइफ में, इस रश्ट लाइफ में हमें आज भी किसी अदबी तहरीक की ज़रूरत है? दूसरा आपसे एक्सेप्टिंग छोटा सा क्वेश्चन तरक्की पसंदी के हवाले से है कि क्या आप क्या समझते हैं कि तरक्की पसंदी का सबसे बड़ा मसाला जो है वो नजरियाती है या आती है? शायद नजरियाती पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, आप इसको किस तरह देखते हैं? देखा मैं तो बुनियादी तौर पर तबकाती है, तबकाती तो तबकाती से ही शुरू होगा ना, क्योंकि आप तो हमेशा जो तरक्की पसंद लोग थे लोअर तबकात ज़हनी तबकात के लिए बात करते थे, तो तबकाती है नजरिया। तो उसके ऊपर ये आ गया कि हमारे जो तबकात हैं उनको वसी होना चाहिए, उनको बलद होना चाहिए, मजदूर को मजदूर का हक होना चाहिए, सरमायादार हमारे से ज़बरदस्ती का हमारे सरप्लस वैल्यू लेके बैठ जाता है, हमें वापस मिलनी चाहिए। ये तो तबकाती तो हमेशा रहेगा, और बल्कि आपने ये भी देखा कि रेख्ता वाले भी तबकाती थे, जो वली दकनी वाले भी तबकाती लोग थे, वो फारसी के अशराफे से लड़ रहे थे। इसी तरह जो तहरीकों की आबाद का क्या होना ज़रूरी है, तो ये तहरीकें खुद रॉ होती हैं, वो किसी न किसी अगर आप देखेंगे तो कोई जम्मू वगैरह कोई नई चीज़ शुरू हो जाएगी। आपके जदीदें शुरू हुई रुक गई, नशे नजर आई फिर रुक गई, क्यों रुक गई? ये पूरा जामे यूनिवर्स ऑफ पोएट्री तो आपको मिल गया ना, जिसमें आप देख सकते हैं। आप फर्ज करें अब, हाँ एक मूवमेंट ये भी जो का भीड़ के ऊपर काम कर रहा है। बहुत बड़ी बदकस्मती हमारे उर्दू बोलने वालों की ये है कि हमें अपने अपने मकामी अदब से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ना हमें शाबिटाई पता है, ना हमें हीर पता है, ना हमें कुछ पता है। शादी और रिसालों को उठा के कहेंगे, खुशी खुशी अपनी पढ़ लेते हैं, उसका तर्जुमा उर्दू में हुआ हुआ तो कहाँ है? मेरा नाम किसी ने सामी रख दिया था, मुझे ये नहीं पता था कि किसी बड़े सिंधी शायर का नाम, मैं सर पता नहीं क्या रख दिया। समझ रहे हैं आप? तो इस तरीके से जो हमारी अब जो शर्त है, जो तहरीक अब होनी चाहिए, वो ये है कि मकामी जो सरमाए हैं, एंटी सेमिटिक बात किया, उनको मकामी सरमायों को उर्दू की तरफ मुंतकल किया जाए, और उनको जो लोग आप काम कर रहे हैं, जैसे मैं पंजाबी नहीं जानता हूँ, आपकी मेहनत से इस खुशी से आता हूँ कि वहाँ से कोई नई चीज़ मुझे मिल जाएगी, और मैं आज तक आपकी ही जो आपने पढ़ी है उसके असर में हूँ। तो ये लेकिन ये होना चाहिए, हो नहीं रहा है। जी शुक्रिया। हुसैन, मैं ये कह रहा था कि 2021 तक का इंग्लिश लिटरेचर, जैसा कि मुझे इत्तला है,
आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डाउनलोड किया जा चुका है, और ये मैं भी इससे इस तरह इस्तेफादा करता हूँ कि जो भी छोटी मोटी तकलीफी काम मैं करता हूँ वो मैं उसको देता हूँ, और ये सोच के देता हूँ कि ये जैसे मुतकदमीन होते थे या कुछ असातिज़ा होते थे, ये देख के बताएं कि ठीक है या कोई इम्प्रूवमेंट हो सकती है, लेकिन इस बात को लुक डाउन किया जाता है। तो ये तहरीक तो मेरे ख्याल में चलेगी, इसके मुतालिक भी कुछ आपने सोचा है? चलेगा कि एआई की तहरीक चलेगी? आप उसे तहरीक समझते हैं? नहीं, मैं उसको एक एग्जिस्टिंग लोकल फिनोमिनन समझता हूँ, एक काम है जो हो रहा है, तहरीक तो नहीं है। और ये कि ठीक है अगर आप कर रहे हैं तो बहुत जमाने तक जो कुछ भी आप वहाँ करेंगे, अगर आपने अपने काम को कर लिया तो क्लियरली प्लेजरिज्म कराया जाएगा, क्योंकि उसके टेस्ट में भी बहुत मौजूद है। फर्स्ट करें आपने कोई चीज लिखवा ली, अपनी चीज दिखा ली, उसने तरबियत करके दे दी, कोई बच्चा उसको एक और मशीन पे चढ़ा देगा, कहेगा आप भाई कहाँ से क्या क्या उठा के दिया है। पहली तो बात यह अंग्रेजी में, अच्छा मशीन लर्निंग जो है जरा सा ताल्लुक है, बहुत मुश्किल चीज है। अभी मशीन लर्निंग उर्दू के करीब करीब तक भी नहीं पहुंची है। जब 50 साल में या 10 साल में, चलिए 10 साल में क्वांटम होती है, पहुंच जाएगी उर्दू, तो हो सकता है मैं ऐसा कुछ हो, लेकिन देखिए कर क्या रही है मशीन लर्निंग, कुछ और ये लिखा जा चुका है उसी को जोड़ जोड़ के आपके सामने पेश कर रही है। वो ये नहीं कर रही है कि आपको बिल्कुल नए कोई ख्याल मुहैया कर दी, ख्याल तो आपको डालना है, मैंने ये लिखा है मैं उसको ये कर देता हूँ। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ गुड थिंग फॉर अ लॉट ऑफ पर्पसेस, लेकिन लिटरेचर के लिए तो फिलहाल ये डिजास्टर है। जी जी, ये खाना सिंह साहब, मेरा सवाल जरा थोड़ा सा पर्सनल लेवल का है जो मैंने फील किया है कि वक्त के साथ साथ हम आहिस्ता आहिस्ता आप हैं इस तरह के कुछ और लोग हैं, हम तो काम करते जा रहे हैं, लेकिन एक नई जनरेशन आ रही है और वो जनरेशन उसमें एक ब्रेक डाउन है। एक तो हमारा लैंग्वेज बैरियर, इसके अलावा जो एक मजहब का एक बहुत एक बूम हुआ है पाकिस्तान में, गाड़ी में बैठे हम आ जाए तो हर कोने पे चंदा मस्जिद के लिए जमा किया जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको किसी कोई लाइब्रेरी किसी चीज के लिए कोई ऐसी एफर्ट नहीं आपको फील होगी। उस पर ऊपर से टेक्नोलॉजी ने थोड़ा सा अपना काम कर लिया है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी पॉजिटिव चीज़ है वहाँ पे अब हम किताबें कंप्यूटर के अंदर होती हैं जो कि हमें पता नहीं चलती हैं। तो कंसिडरिंग माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस के हमारे बच्चे, मेरे पर्सनली मेरे बच्चे, उनको तब पता चलता है जब मैं कोई किताब उठाती हूँ और वो पढ़ती हूँ और फिर मैं उनके साथ बैठती हूँ और थोड़ा डिस्कशन करती हूँ, तो उनको पता चलता है कि ये कौन है, ये राइटर कौन है, ये क्या हुआ था। तो इसके बारे में कुछ आप बात करें कि एक खास जनरेशन तक मेरे ख्याल में ये चलेगा, या वो वाले लोग जो कि राइट उस जगह पे रह रहे हैं, जो फील कर रहे हैं या किसी अपने प्रीवियस बुजुर्गों से वहाँ पे ट्रांसमिट हो रही है, तो वो ऐसा ऐसा वो जो ग्रुप है ना वो छोटा होता जा रहा है। कुछ गुरबत ने वहाँ पे ऐसा कर दिया कि लोग अपने कारोबार में बच्चे जो है वो सिर्फ अपना एक प्रोफेशनल अचीव करने के लिए किसी न किसी तरीके से वो उतरते जा रहे हैं। हमारे बच्चे जो है वो लैंग्वेज बैरियर की वजह से, मेरा ये ख्याल है कि उसमें हेल्प करने के लिए ये जो लैंग्वेज उनके लिए आसानी है उसमें ट्रांसमिट करना, उनको शामिल करना, और इसको आगे हम कैसे चला सकते हैं ये वाली इस पर आप जरा बात करें। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि आप दो मौजूद करके एक बात शायद आप ये कर रही हैं कि अपने बच्चों को उर्दू वाली चीज़ें कैसे बताएं शायद, दूसरी आप ये कह रही हैं कि हमारे बच्चों तक लिखा हुआ जो सरमाया है वो कैसे पहुँचे, और हमारे छोटे बच्चे जो हैं छोटे छोटे, तो मैं उर्दू की मिसाल देता हूँ, और मैं बहुत ही खुलूस दिल से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में मुसलसल, हिंदुस्तान में मुसलसल काम हुए जा रहा है। हमारे एक दोस्त हैं मुशर्रफ फारूकी, उन्होंने बच्चों की छोटी छोटी किताबें बना दी हैं उर्दू में हैं। मेरी छोटी सी पोती है 3 साल की, यहीं की पैदा है, उसकी माँ सूडानी है, उसका नाम है पौधनी और पौधनी की कहानी। अब वो हमारे घर में वो किताब मुशर्रफ ने भिजवा दी, वो बच्ची रोज़ आके पौधनी पौधना सुनती है और पौधनी सुनना सीखती है। तो हमें अपनी बच्चियों को अपने बहुओं को सिखाना है कि अगर चाहते हो तो अपने बच्चों से उर्दू में बात करो, चाहते हो तो पाकिस्तान जाओ तो वहाँ से उर्दू की चीज़ें लेके आओ और उनको कहानियाँ सुनाओ। वो दादी के पास या नानी के पास कहानियाँ सुनने के लिए आते हैं,
جب وہ آئے تو انگریزی سنانے پر وہ اردو سب وہ بچے آتے ہیں ہمارے انگریزی کی کتابیں بھری پڑی ہیں وہ آتی ہے اردو کی کتاب لے کے بیٹھے تھے ماما جان مجھے تو پودنے پودنے کی کہانی سناؤ اور چونٹی بھی کہہ رہی ہے ہاتھی بھی کہہ رہی ہے مینڈک بھی کہہ رہی ہے بلی بھی کہہ رہی ہے تو یہ چیزیں بہت محنت طلب ہیں دوسری بات یہ ہے کہ انگریزی ہمارے اپنے سرمایہ کو چھوٹے چھوٹے پاکستان میں انگریزی میں بھی تبدیل کیا جا رہا ہے ڈھونڈنے کی ضرورت ہے جب کوئی پاکستان جائے تو یہ مشن بنا کے جائے تو میں کن جگہوں سے جا کے کتابیں پوچھوں آکسفورڈ والوں سے پوچھیں کہ بھائی آپ نے کیا کیا ضرور چیزیں مل جائیں گی اور دونوں طرف سے مل جائیں گی اردو میں بھی ہم مشن ہیں ہم کہتے ہیں کہ اردو زبان کے حوالے سے کہ بڑی وسیع القلبی ہے اس میں اور خود اردو زبان جو ہے وہ لشکری زبان ہے ترکی زبان غلط ہے اور جب ہم لشکری زبان کہتے ہیں تو اس میں ہمیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں دو زبانیں عربی اور فارسی کس کی اشتراک سے جو ہے اردو پیغام ہم ہوتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں اگر ہم دوسری زبانوں کی طرف جائیں جیسے سنسکرت ہے یا ہندی زبان ہے اس کے الفاظ بھی جو ہیں ہمیں اپنی زبان میں ملتے ہیں خاص طور پر نظم کا لیکن جب ہم نظم یا غزل کیا سخن شاعری کی طرف آتے ہیں تو وہاں ہمیں بہت سی چیزوں کو پابند کر دیا جاتا ہے مطلب یہ کہ ہم نظم نگاری میں تو ہندی یا سنسکرت لفظوں کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن جب ہم شاعری میں وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں بطور خاص جب اضافت کا معاملہ آتا ہے تو ہم اگر کہنا چاہتے ہیں کہ شکتی ایمان تو تلواریں جو ہیں یہاں سے باہر آ جاتی ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں اس کا جواب میں کوئی نقاب تو ہونے کے جواب اس کو دوں لیکن یہ میر صاحب نے تو خود ہی کہہ دیا تھا میر صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں ایسی ریختہ کی ترکیبیں استعمال کرنی ہے فارسی سے ان کا میل ملتا ہو تو اس کے اوپر پورے پورے اسد موہانی نے دوسروں میں بھی اپنے جو کتابیں لکھی ہیں بتایا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج کل یہ شاعر اس سارے روح کو سارے قاعدے کو توڑ مروڑ کے ہندی الفاظ کو اپنی شاعری میں استعمال کرتے ہیں اس کو بنتے ہیں اور کوئی اگر کوئی جس کو کہتے ہیں کہ بہت ہی قدامت پرست شخص کھڑے ہو کر ان کو ٹوکتا ہے تو اس کے ٹوکنے میں آتے نہیں ہیں تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے بہت ہی حسن کے ساتھ ایسے لفظ کو استعمال کر لیا ہے تو آپ اس پہ قائم ہو جائیے کوئی ملہ ادبی ملہ کوئی آپ کو کہے گا تو نہیں سنیے اس کی آپ جی بلکہ اس کا میں اضافہ اس میں کر دوں اس پہ اپنے سوال کرتا ہوں غالب رشید سے میں رشید خان صاحب نے کہا کہ یہاں پر صحیح اور غلط کی وجہ ہے مناسب اور نامناسب کی بات ہونی چاہیے کہ اگر سننے میں اچھا لگا ہے اور آپ آپ کی زبان میں رج بس گیا تو پھر آپ کو چلنا دیں اسے میں سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ ہم نے بہت ساری باتیں کی ہیں ویسے ہم نے تحریکوں کی باتیں بھی کی ہم نے عالمی تحریکوں کی باتیں بھی کی اور ہم نے یہ بھی کہا کہ ہم اب کوئی یہ گلوبل ولیج ہے تو جو ایک جگہ ہو رہا ہے وہاں دوسرا جگہ اس پہ اثر ہے اس وقت کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا بھر میں ادب کے حوالے سے کیا کوئی عالمی ادبی تحریک اس وقت ہے جس کو ہم کہیں کہ آج کی اصلی تحریک ہے اور اگر آپ اس کے علاوہ یہ کہنا چاہیں کہ اس میں اردو بھی فیصلہ ہے کہ نہیں ایسی کوئی بڑی محبت اس وقت سامنے نہیں آ رہی ہے جو پچھلے دو سرئلزم آئی تھی وہ چلی گئی بہت تھوڑے دن ایکسٹینشلزم آئی تھی اور یہ سب آ کے قائم ہو گئی یہ سب کوئی آپ خالص صاحب سے مجھے بتا سکیں میرے علم میں نہیں ہے کوئی ایک بہت ہی متحرک موومنٹ اس وقت انگلش لٹریچر میں یا ویسٹ لٹریچر میں چل رہی ہے میرے خیال میں تو نہیں ہے کوئی تو ان سب میں اگر ہم دیکھیں تو جو شاید سب سے آخر میں آنے والی تحریک تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو مواد جدیدیت ہے یا پوسٹ ماڈرنزم یہ اس کے بعد کوئی اور تحریک نئی تحریک سننے کو نہیں ملی نہیں ہوئی نہیں کیونکہ یہ بھی ایک جس کو کہتے ہیں نا آرٹیفیشل تحریک تھی مواد جدید زبردستی کی تحریک تھی جو بنیادوں پر ایگزسٹینشلزم کی تحریک تھی جیسے کہ میں نے کہا اسی لیے میں سر میں سبائی سے پوچھا تھا مضمون سننے سے پہلے مجھے ڈر لگ رہا تھا خالد سہیل صاحب نے کہا تھا مقالہ سننے آئے تو میں نے کہا میں کوئی غلط صدر کام نہیں کر دوں تو میں نے پھر سرما صاحب کو فون کیا میں بھائی میری مہربانی کچھ بتا دو مجھے اور کہا نہیں آپ ٹھیک ٹریک کے اوپر ہے اور یہ تو موجودیت تھی اس میں بہت زیادہ کام نہیں ہوا تو جس میں نہیں وہاں پہ کوئی نہیں آپ بتائیں نا کون شاعر کہتا ہے میں نے ماں باو ماں بادل وجودی نظم لکھی ہے آپ اپنا تو نہیں کہتا نا جی تو یہ نہیں ہوتا اچھا یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب مواد جدیدیت کا پوچھتے ہیں کہ ہے کیا بڑا تو وہاں بہت سے لوگ جواب نہیں دے پاتے جدیدیت تو نہیں پتا اور بہت سے لوگ بہت دفعہ ہم لوگ مواد جدیدیت کی تعریف وہ کر رہے ہوتے ہیں جو جدیدیت کے کر رہے ہوتے ہیں
जिसमें वजूदियत की का भी जिक्र है, तो क्या इसी को एक वाज तारीफ है? देखिए बॉडलेयर वगैरह रामबो वगैरह चीज़ें लेके आए थे, लेकिन जो हमारे लिए ना आशना थी तो हम उनको ठीक से कबूल ही नहीं कर सके। आप मुझे बताइए ना, फ्रांस के अंदर एक तारीख चल रही है, आपको फ्रांसीसी जबान आती नहीं है, आपने सुन लिया तो जड़ दिया बस मैं करूँगा, ऐसे नहीं होता है। अच्छा, ये तो हो गई उर्दू की बात, अगर हम उर्दू में कहेंगे ठीक है, वो हमारे लिए तो बिल्कुल गरीब जबान गरीब तरीके या अजनबी तरीके, अगर हम आलमी अदब पर नज़र डालें, अदबी तहरीकों की बात करें, क्या तब हम कह सकते हैं कि तभी उसका आपका जवाब वही होगा कि इसकी कोई वाज तारीफ नहीं है? नहीं, वहाँ पर हो नहीं सकी है, वो लोग खुद कन्फ्यूज है उसके बारे में, वो कहते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म इज व्हाट केम आफ्टर मॉडर्निज्म, दैट्स द आंसर। अच्छा, ये कन्फ्यूजन की आपने बात की, मैं ये आखिरी सवाल कर रहा हूँ, अगर किसी और के पास कोई और है सवाल या कोई बात करना चाहते हैं बताइए, मतलब मैं आखिरी सवाल करके आप डिस्काउंट करा करेंगे। अच्छा जी, अच्छा तो आखिरी बात आपने ये कन्फ्यूजन की बात की, तो मजे की बात यह है कि जैसे आपने कहा कि पोस्ट मॉडर्निज्म ख़त्म हो गई, मगरब में अगर हम देखें तो जो पोस्ट मॉडर्निज्म है या ये तरक्की पसंद तहरीक जो है, इसको आप कम्युनिज्म से जोड़ते थे, आप नहीं है, नहीं एक जोड़ा जाता था कि कम्युनिज्म का से इसका ताल्लुक सुर्खे कहते थे कुछ, तो इसको बराह रास्त जो तरक्की पसंद अदब लिखा जाता था उसको रूस से जो उसको ताल्लुक जोड़ा जाता था, ये एक ज़माने में बहुत एक ख्याल था, और हम ये कहते हैं तरक्की पसंद को हम कहते हैं प्रोग्रेसिव, राइट। अच्छा, आज की तारीख में अगर आप देखें तो प्रोग्रेसिव जो है उसको आप जो आपकी कम्युनिस्ट पार्टी जो आपकी कंजर्वेटिव पार्टी होगी उसको प्रोग्रेसिव कहती है, अब जो प्रोग्रेसिव होने का मतलब है वो सियासी या माशरती हवाले से बड़ा मुख्तलिफ हो गया उससे जो है जिसको पहले हम तरक्की पसंद कहते थे। इसी के साथ आज की तारीख में चाहे हम कहें कि पोस्ट मॉडर्निज्म ख़त्म हो गया या नहीं आ सका या नहीं बन सका, उसके बावजूद इस वक्त पोस्ट मॉडर्निज्म और तरक्की पसंदी के दरमियान जो भी फॉर फर्क है, उसके बावजूद इस वक्त जो जो मगरिब है यहाँ पर आपको कम्युनिज्म जो पोस्ट मॉडर्निज्म, इसको वो लोग कम्युनिज्म कहते हैं, कल्चरल कम्युनिज्म का नाम देते हैं। अब ये कन्फ्यूजन की आपने बात की, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि इस वक्त यहाँ पर एक बड़ा ही सुलगता मौजू है कल्चरल कम्युनिज्म, तहजीबी कम्युनिज्म, तो और इसके दूसरा नाम है पोस्ट मॉडर्निज्म, इस बारे में कुछ आप बता सकते हैं कि ये क्या कहानी है? आप कुछ भी कहते रहे, कोई भी नाम लगाते रहे, होता रहेगा, चलता रहेगा, लेकिन इस वक्त ऐसी जामे चीज मौजूद नहीं है, और मैं बार बार ये कहूँगा कि हाँ जरूर तरक्की पसंद तहरीक इस तरह के से मुतासिर थे, इस तरह की ख्यालात अभी भी जिंदा है, समाज से इंसाफ अभी भी मौजूद है, हमेशा मौजूद रहेगा। तो ये जो इस वक्त जी डॉक्टर साहब, एक और जब आप प्रेस की बात करें कि जो मैंने सीखी एक तहरीक में एक अंदाज है फिक्र है उसको, ठीक है, हर्मेनिटिक्स, जो हर्मेनिटिक्स में डिस्कशन ये थी कि जब शायर की अजीब की कोई तहकीक है, लोग ये कहते हैं कि शायर से क्या कहना चाहते हैं, तो हम शायर की सोच के करीब पहुँचे, किसी भी तहकीक का कोई फिक्स मानी नहीं, हर तारी जो है वो अपनी सोच अपनी फिक्र अपने जौक अपने मिजाज के मुताबिक उसमें अपने मानी डालते हैं, इसलिए हमें कारी को कारी की अहमियत इम्पोर्टेंस बढ़ने के बजाय दी, तो कोई भी तहरीर कोई भी किताबें पढ़ी है छोड़ी है उसके अंदर, तो ये मेरे नसीब की ओर एक कारी की अहमियत को बढ़ावा देना और अदीब के तत्व को जरा छोटा करना और तहरीक को या जो जो भी लिखा रफ्स है उसको एक फिक्स नहीं समझता, तो ये क्योंकि छोटे छोटे धारे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता एक प्रवाह चल रहे हैं, लोग उसको बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही मैं आप सब लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, मुनीर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे सवाल के जवाब दे दिए, उसके अलावा तहरीकों के बारे में आपने इतने तफसील से बात की थी और तहरीकी अदब के हवाले से जो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स थी शायद उनको दूर करने की कोशिश भी की, और यकीन है कि इसी कन्फ्यूजन इंशाल्लाह बढ़ेंगी।
क्योंकि ज़ाहिर है सवाल से जो हम जितने सवाल करते हैं उसी चीज़ें ये सारे भी सवाल हमारे आते आते रहेंगे, मसाइल पेचीदा होते रहेंगे और हम इस बारे में बात करते रहेंगे इंशाल्लाह। इस मौजूद पर फिर कभी बात करेंगे और उसमें मजीद अगर हमें कुछ मजीद मालूम मिल सके तो और भी अच्छा होगा। जुनेद, मैं आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया इस सवाल नहीं, मैं आप लोगों का बहुत मशकूर हूँ और आप सब लोगों ने मेरे सब्र का मुजाहरा भी देख लिया होगा तो गैर साबिर इंसान हूँ और आप मुझे सब्र करना सिखा दिया। बहुत शुक्रिया। मैं ये कह रहा था कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और आप लोग जिस तरह हम लोगों की हौसला अफजाई कर रहे हैं, हम लोग ये अदना सी कोशिशें कर रहे हैं। एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग फेसबुक पे जाके इस प्रोग्राम के मुताल्लिक वहाँ भी अपनी राय का इजहार करें तो ये हमारे लिए मतलब एक बड़ी हौसला अफजा बात होगी ना। और दूसरे आबिद भाई का आज बहुत अफसोस हुआ, जाहिर है आप सबको भी मालूम है, लेकिन हम उस महज पर आ गए थे कि हम ये अपना प्रोग्राम कैंसिल कर नहीं सकते थे, वरना शायद हम ना करते ना। तो बस ये दो बात है। तो मतलब ये कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। बहुत शुक्रिया।